तो आज मकाऊ की हमारी आखिरी नाइट है, क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है करीब 3 बजे के लिए। तो हम लोग अभी कोटाई एरिया में गए, वहाँ पर वेनिसन पेरिसन हॉलीडे इन सिटी ऑफ ड्रीम फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस यात्रा को हम लगभग आधे घंटे में ख़त्म करेंगे और अपने घर के पास जाएंगे, जो करीबन यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर दूर है। तो उसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं इस एरिया के बारे में आपको दे देता हूँ। तो अभी आपको मैं जो होटल दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पेरिसन होटल। पेरिसन होटल पेरिस की थीम में बनाया गया एक्चुअली, और इसका पड़ोसी जो होटल है वेनिसन, उसको वेनिस की थीम में बनाया गया। तो इसको पेरिस की थीम में बनाया गया है, और उसको बनाने के लिए, उसको और मुकम्मल करने के लिए क्या बताया गया है, आप ये देखिए। इसके अंदर बाहर इन्होंने एक पेरिसियन टावर यानी एफिल टावर का एक छोटा सा फॉर्म बना रखा है। तो वंस यू आर हेयर यू हैव अ फील ऑफ एफिल टावर पेरिस। तो पूरा आपको फ्रांस का फील मिलेगा इफ़ यू गो इनसाइड द होटल। फ्रांस के कुजींस, फ्रांस का आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये मैंने अपना कैमरा जिधर घुमाया, ये वेनिसन का पार्ट है, हालांकि ये सामने से देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इसका बैक साइड है, और ये दोनों एक हॉलवे के थ्रू कनेक्टेड है। ये एक हॉलवे है जो वेनिसन और पेरिसन को कनेक्ट करता है। वेनिसन के ठीक सामने एफिल टावर, उसके पीछे अगर आप देख सकते हैं मेरे कैमरे से अगर दिखाई देता है, तो पीछे एक लेज़र शो चल रहा है। हालांकि वो जितना पास में दिख रहा है उतना है नहीं, वो करीबन 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। इसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ MGM का दूसरा ब्रांच। एक ब्रांच मकाऊ डाउनटाउन में है, दूसरा ब्रांच उसका यहाँ पे है। और ये मेरे सामने हॉलीडे इन होटल। हॉलीडे इन के बाद आपको मैं अगर दिखा सकता हूँ तो ये है सैंड्स रिसॉर्ट, कोनार्ड ग्रुप का सैंड्स रिसॉर्ट, और उसके थोड़ा सा आगे सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो ये यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं, और हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं ये हमारा बस स्टॉप है। वी हैव टू कैच 26 और 26A नंबर बस विच विल टेक अस टू पोंटे 16, जहाँ पे हमारा होटल है। तो आज हम सुबह से लगभग सुबह 9 बजे से ही घूमते आ रहे हैं। मैं और दीक्षा आपस में ही बातें कर रहे होंगे कि आज हम कितना पैदल चले होंगे। तो हम करीबन ये देखिए 26A नंबर बस आके रुकी, जिस बस में हमें जाना था, लेकिन हम इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ जाते जाते वो भीड़ ज़्यादा है। तो वी विल वेट फॉर नेक्स्ट बस। तो हम दीक्षा और मैं बात कर रहे थे कि आज हम करीबन 10 से 15 किलोमीटर करीबन पैदल चले होंगे, पर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, वेदर इतना अच्छा है, टेम्परेचर कम है, ठंडी हवा चल रही है, तो थकान बिल्कुल नहीं महसूस हुई। और हालांकि जब होटल रूम पहुंचेंगे तब पता चलेगा हमें कितनी थकान महसूस हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लिप में। थैंक यू, बाय बाय।